बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्कोर 24 में आपका खुशामदीद है। मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान अहमद। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ऐसा ईमान हर किसी को नसीब करे। एक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें देखा जा सकता है कि जल्जले के शदीद झटकों में भी इमाम मस्जिद जो है वो अपनी नमाज पर कायम रहा, सब्र व इस्तकामत से नमाज पढ़ाता रहा। जबकि कुछ नमाजी ऐसे भी थे जो आगे की सफ़ें छोड़कर बाहर की तरफ भाग निकले, लेकिन कुछ ऐसे नमाजी भी नज़र आए जो पीछे की सफ़ें छोड़कर अगली सफ़ों में आकर खड़े हुए और सब्र व इस्तकामत के साथ नमाज़ पढ़ते रहे। नाज़रीन, इस वीडियो का तल्लक इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता से है, जहाँ 15 जनवरी 2021 को जलजिला आया और जलजिले की शिद्दत जो थी वो 6.2 रिकॉर्ड की गई। और इस जलजिले के 22 दर्जनों इमारतें आज ज़मीन बोस हो गई, जबकि इस जलजिले के नतीजे में 3 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा करें, बाकी जो मज़ीद तफसीलात हैं वो इसके बाद शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की, यकीनन वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ईमान की असल ताकत क्या है, ईमान किसको कहते हैं, सब्र क्या चीज़ होती है, सब्र के हकीकी मैनी क्या है। लेकिन एट दी एंड मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं है कि ये वीडियो 15 जनवरी 2021 को आने वाले जलजिले की है या जब 2018 में भी जकार्ता में इसी तरह जलजिला आया था, सेम शिद्दत से 6.2 की शिद्दत से जकार्ता में 2018 में भी जलजिला आया था, ये वीडियो 2018 के जलजिले की है या 2021 के जलजिले की है। जी नाज़रीन, जो भी हकीकत थी इस वीडियो के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना और अपने गिर्दोनुमा का भरपूर ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दें। अल्लाह।